ओए अमृता पुत्र, क्या इस निगोड़े को लेके बैठी है तू? काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, एक नंबर का ड्रामेबाज, नौटंकी बाज और झूठा ही। शर्म कर, कुछ शर्म कर। तुझसे सिर्फ 2 साल बड़ा है अंगद, लेकिन देख पूरे घर की जिम्मेदारी संभाली है उसने, और तू पीछे हट वरना झाड़ू फेर देना तेरे बदन पे आज मैंने। पीछे हट, तेरे शर्म नहीं आंदी है? सारा दिन दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता फिरता रहता है, कब तक अकेले अंगद इस घर का बोझ उठाएगा? और तू बैठ के खा है, बैठ के खा खा। अमृता पुत्र तू बीच में बता, तुझे लग जाएगी, तू पीछे हट। कभी कभी तो मन करता है कि क्या क्या देख क्या रहा है, क्या देख रहा है? माँ हूं मैं तेरी, मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि तू अपने पांव पे खड़ा हो जा, बस। देखा निकम्मा कह रहा है कि मैं अपने पांव पे खड़ा हूं, हैं? चप्पल खोलो, खोलो चप्पल, ले ले। अरे तू बीच में से हट जा, तुझे लग जाएगी। जमाने पर मैं कहता फिरता है कि मैं इसकी सौतेली माँ हूं, बताओ इसके लिए तो सब कुछ मजाक है, सब कुछ मजाक है। पर इसकी बात मुझे चुभती है। एक जवान मुंडा तो पहले ही खो चुकी हूं, इसे मेरा दर्द समझ में नहीं आता। किसी के लिए पोता था करण, किसी के लिए भाई था, पर मेरे लिए वो मेरा बेटा था, मेरी पहली औलाद, जिसने मुझे गुनीत की घरवाली से करण की मम्मी बनाया, एक माँ का अस्तित्व दिया। निम्मो छोड़ सब मुझे करण की मम्मी बुलाने लगे। कानों को ना करण की मम्मी सुनने की अजीब आदत हो गई है, तो अब जब कोई मुझे कबीर की मम्मी बुलाता है ना, तो चुपता है। छोड़, जान दे उसे, वो नहीं समझेगा।